लखनऊ में एक महात्मा आए, अच्छे महात्मा थे, एक सज्जन पढ़े लिखे, अपने मन में ये सोच के कि हमें संसार का व्यवहार ज्यादा ठीक ठीक करना चाहिए कि ईश्वर की भक्ति ज्यादा करनी चाहिए, ये सवाल है। सवाल आपने समझ लिया है ना? हमको संसार का व्यवहार ज्यादा ठीक ठीक करना चाहिए कि ईश्वर की भक्ति ज्यादा करनी चाहिए, ये सोच के यही प्रश्न चल के महात्मा जी से करेंगे। हाथ में गुलदस्ता लिया, फूल का गुच्छा, और गए महात्मा जी के हाथ में लिया। एक गुलदस्ते से माली का उपकार बताएंगे, उसकी जीविका करते हैं, देने वाले को खुशी होती है और लेने वाले का सत्कार होता है। लेने वाले का सत्कार हुआ, देने वाले को खुशी हुई और माली की जीविका चली। और फूल तो मट्टी में मिलने वाले थे, वो तो बाद में भी मिल जाएंगे। गुलदस्ता जाके दिया, महात्मा जी ने गुलदस्ता लिया हाथ में और देखने लगे, सामने करके देखा, फिर पीछे से देखा, बगल से देखा, कोई 15 मिनट लाने वाले की ओर नहीं देखा, गुलदस्ते को देखने में लगा दिया। वो सज्जन पढ़े लिखे वो बोले कि महाराज, इससे अच्छा तो ये होता कि मैं गुलदस्ता लाता ही नहीं, तो आप मेरी ओर तो देखते हैं। बोले कि अच्छा, तुमको गुलदस्ता देखना अच्छा नहीं लगता है? बोले ना महाराज, जाते नहीं। तो बोले तब हम करें क्या, तुमको देखें कि गुलदस्ते को देखें? बोले महाराज, थोड़ा हमको देखिए, थोड़ा गुलदस्ते को है ना। तो बोले तुम्हारे, तुम जो सवाल लेके अपने मन में आए हो ना, उसका यही जवाब। ये संसार भगवान का गुलदस्ता है। देखो तरह तरह के फूल इसमें सजा के रखे हैं, तरह तरह के रंग हैं, तरह तरह की खुशबू है, तरह तरह की बनावट है। ऐसे फूलों से ये संसार का गुलदस्ता बना है। तो अगर किसी इसी को देखते रहोगे और गुलदस्ता देने वाले को नहीं देखोगे, तो जैसे तुमको बुरा लगा ना, वैसे उसको भी बुरा लगेगा। और गुलदस्ते को बिल्कुल देखोगे नहीं, फेंक दोगे, अब भी देने वाले को लगेगा कि हमारी जो इतनी बढ़िया भेंट थी, इसका इन्होंने आदर नहीं किया। तो भाई थोड़ा संसार और थोड़ा देने वाला। आराम मत्स्य पश्यन्ति तम न पश्यति कश्चना। लोग उसके बनाए हुए बगीचे को तो देखते हैं, उसमें इतना फंस जाते हैं, इस बगीचे को जो बनाने वाला है उसकी ओर नहीं देखते हैं। तो देखो भक्ति की बात क्या है, तुम स्वयं अपने बल पर दुनिया से असंग नहीं हो सकते। तो अपने मन का एक प्यारा चुन लो ना, ये विवाह सिद्धांत है, जिसका नाम विवाह सिद्धांत है। वो ये लड़की भी अच्छी, ये लड़की भी अच्छी, ये लड़की भी अच्छी, जिंदगी भर चुनाव में ही लगे रह जाओगे, कहीं मन टिकेगा नहीं, ये लड़का अच्छा, ये लड़का अच्छा, ये लड़का। अब मान लो कोई जिंदगी भर वरमाला हाथ में लेके ऐसे टांग के और कॉलेज के दरवाजे पर खड़ा हो जाए कि जो लड़का आएगा अच्छा उसको पहनाएंगे, और वैसे कभी चुनाव हो सकेगा? तो नारायण एक को चुन लो, तो जब एक में मन लगेगा ना, तो तुम्हारे भोग का दायरा छोटा हो जाएगा, तुम्हारी सेवा का दायरा छोटा हो जाएगा,
जने जने पर लट्ठू होना छूट जाएगा, जने जने को भोग देना छूट जाएगा, जने जने को खुश करना छूट जाएगा। ये भक्ति का विवाह सिद्धांत जो है ना, ये भक्ति का सिद्धांत है। वो धर्म 50-50 दुनिया को छुड़ा देता है, अधर्म समझकर 50 छोड़ दो, धर्म समझकर 50 काम करो, और अधर्म समझकर 50 काम छोड़ दो, और भक्ति 99 दुनिया को छुड़ा देती है। एक के साथ अपने को जोड़ो, हरि संजोर सबर को छोड़ो, एक बार से जा हो गया, राम मेरे दूल्हा मैं राम की दुल्हनिया। देखो हमारा ब्याह हो चुका है, दादा अब बुरी नजर से हमारी और मत देखना, है कि नहीं? सुनते हैं विदेशों में भी ऐसे देश हैं जहां लोग विवाहित को अछूत समझते हैं। हो लड़कियों को मालूम हो जाए कि आदमी का ब्याह हुआ है तो उसके संपर्क में ज्यादा नहीं जाते हैं, है ना? यहां लोग जब मुसलमान आए ना, झटपट लड़कियों को सिंदूर पहनाने लग गए, ब्याह करके छोटी उम्र में, सब मुसलमान कहते थे अरे ब्याह हुई लड़की। तो अपना मन जो दुनिया में जगह जगह जाता है, उसकी जगह पर आप भगवान का वरण कर लेंगे, मन का ब्याह भगवान से कर लेंगे। मेरो मन अनंत कहां सुखता। मीरा ने कहा ऐसे वर को के वरुण जो जन्मे और मर जाए, पर बरिये गोपाल जो मारो छोड़ो अमर हो जाए। तो अपने जीवन में जो स्थिरता है वो लाने के लिए भगवान के साथ अपने मन का रिश्ता जोड़ देना चाहिए। मेरे को गिर कर गोपाल लोग, तो ये जो ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने की प्रक्रिया है, ये हमारे मन की चंचलता को मिटाने वाले है। अब उसका सहारा पकड़कर हम दूसरों को हटा सकते हैं। एक पत्नी का सहारा लेकर पत्नी किला है, किले में बंद हो गए और दूसरी स्त्रियों से छूट गए। पति जो है वो हमारा संरक्षक है, उसका सहारा लिया, दूसरे पुरुषों से छूट गए। ऐसे ही आप अपनी मनोवृत्ति के लिए स्वयं असंग नहीं रह सकते हो, कभी कहां जाएगी कभी कहां जाएगी, दुनिया बदलेगी, मन बदलेगा, वृत्ति बदलेगी, और शाश्वत परमेश्वर, इसकी दो बात आपको सुना रहे हैं। आप जिससे प्रेम करें और आप रहें और वो मर जाए, तो है ना दुखदायी बात है कि ये जो शरीर है ना, इस शरीर से जब हम प्रेम करते हैं तो हम तो बने रहते हैं और ये मर जाता है, और जिनसे शारीरिक संबंध होता है ना, जीवात्मा तो अजर अमर है, उसकी तो मौत कभी होती नहीं, और जिससे तुम प्रेम करते हो मर जाता है। प्रियम तो आम रोक्षति, वो प्यारा तो तुमको रुलावेगा। तब पर भरिए गोपाल, भगवान अपने हृदय में है, अजर है, अमर है, शाश्वत है, अपने दिल वाले से ब्याह करो बोला, मारो चुड़लो अमर हो जाए, फिर तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा। बाहरी आदमी बेवफा हो जाएगा, बेवफा माने विश्वासघात करेगा, धोखा देगा, बेवफा होगा बाहर का आदमी, बिछुड़ जाएगा वो, परदेश में चला जाएगा बाहर का आदमी, मर जाएगा बाहर का आदमी जिससे तुम प्रेम करोगे, और अपने भीतर वाले परमेश्वर से प्रेम कर लो। देखो असंगता तुम्हारे जीवन में असंगता आ जाएगी, हो फिर तो सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबका लीजिए ना। अब एक तीसरी बात, तो ये बेसहारा संसार से असंग होना, ये दृष्टा और दृश्य का विवेक है, बिना किसी का सहारा लिए संसार से असंग होना, इसका नाम दृष्टा दृश्य है।
और भगवान का सहारा लेकर संसार में असंग हो जाओ, इसका नाम भक्ति है। बोला भगवान को पकड़ा, और दुनिया में किसी को पकड़ने की जरूरत ही नहीं, छुट्टा छड़ेंगा विचरण करो, दिल में लिए लिए हम अपने सपने साथ लिए फिरते हैं, हम अपने सपने साथ लिए फिरते हैं, हमारे सपने हमारे दिल में हैं, हमारा यार हमारा प्यार हमारे दिल में है, दुनिया में भटकने की कोई जरूरत नहीं, जहाँ है मस्त है, हर हाल में मस्त है। अलमस्त फकीरा रहम अल्लाह, अल्लाह की रहम से फकीर अलमस्त है। तो आप व्यवहार तो कीजिए, परंतु या तो ऐसे असंग दृष्टा हो कि कहीं फंसने न पाऊं, सावधान, और या तो भगवान के साथ ऐसा बांध लें अपने को कि फिर कहीं फंसने की जरूरत ही न रहे। अब एक बात आपको सुनाते हैं, थोड़ी सी वेदांत की बात कर रहे हैं। कल ईश्वर ने संकल्प किया, ऐक्षत पहले जांच की और उसके बाद बहुश्याम मैं बहुत हो जाऊं और प्रजाय मैं प्रकृष्ट जन्म ग्रहण कर, इसका क्या अर्थ होता है कि दुनिया में जिस चीज का जन्म होता है वो विकारी होती है। बोला भगवान ने कहा मैं जन्म लूंगा तो मैं भी विकारी हो जाऊंगा। बोले प्रजा जाए या नहीं, मैं जन्म लूंगा ऐसा नहीं, मैं प्रजन्म लूंगा, प्रतीति मात्र जन्म लूंगा, उसका प्र शब्द का अर्थ है प्रतीति मात्र, माने मेरे अंदर कोई परिणाम नहीं होगा, मेरे अंदर कोई विकार नहीं होगा, मैं बदलूंगा नहीं और बहुत रूपों में भासूंगा। एक बहु अहम या अहम प्रजाय, मैं एक से बहुत हो जाऊं और मैं बहुत हो जाऊं, मैं बहुत हो जाऊं परंतु मेरे अंदर विकार कोई ना हो। लो तो अब ये प्रश्न हुआ कि आखिर चेतन में ब्रह्म में ये बहुत होना क्या है, बहुत होने का संकल्प क्या है ना, उसका जगत के रूप में प्रकट होना जन्म लेना क्या है, ये प्रश्न है। अभी वेदांत का प्रश्न है वो, है ना, ये जो गांव में श्रोता लोग आते हैं ना, दुकान उकान का काम अपने पूरा करके, है ना, या दुकान में जाने के लिए, आप सच समझो उनकी बुद्धि घर से सोच के चलते हैं, सत्संग करेंगे और वहां से जाएंगे आपस में और वहां ये बेईमानी करेंगे, वहां दूसरे का माल क्यों हड़पेंगे, अमुक से मिलेंगे तो ये झूठ बोलेंगे, पहले से झूठ छल कपट का संकल्प करके तब तो आते हैं संकल्प में। बोले आज किस विषय पर व्याख्यान हो, क्या महाराज आज सत्य व्यवहार पर आप व्याख्यान दीजिए, है ना, ये उनकी फरमाइश होती है, फरमाइश करेंगे सत्य व्यवहार की और पहले से सोच के आएंगे कि व्याख्यान के बाद उठेंगे तो उनकी जेब ऐसे काटेंगे, ऐसे नहीं हो। हम पहले यहाँ आते थे, न्यासी होने के पहले सन 35-36 में दादी शेखरियारी देवी के सिंघानियावाड़ी में व्याख्यान देते थे, व्याख्यान वहां होता था 9 से 10 बजे तक सवेरे,
तो बहुत से लोग घर से निवृत्त होके व्याख्यान में आते थे और फिर व्यापार में चले जाते थे। तो सोच के आते थे कि क्या करेंगे क्या करेंगे, और कहते थे महाराज जिससे व्यापार सच्चा होने लगे, सच्चे व्यापार की नहीं आ सकता। तो भाई ऐसे काम नहीं करता है। ये जो गांव में लुगाया बताया बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है व्याख्यान सुनने के लिए, वो तो जैसे कोई नाच देखने के लिए जाए, गाना सुनने के लिए जाए, तमाशा देखने के लिए जाए, मेला देखने के लिए जाए, जैसे कोई पुण्य लूटने के लिए जाए, ऐसे जाते हैं। वो समझने के लिए नहीं जाते हैं। जो समझने के लिए जाते हैं उनकी समझ में वेदांत का रस आता है, वेदांत का अनुभव प्रकट होता है। आप त्याग लेने के लिए आते हैं कि भोग लेने के लिए आते हैं कि चरित्र लेने के आते हैं? ये एक अनाथालय है ना भारतीय विद्या भवन के सामने वाली गली में, उसमें हमारा व्याख्यान पहले होता था। तो मैंने देखा एक लड़की पहली पंगत में आकर बैठती थी और एक लड़का भी बिल्कुल उससे लगा हुआ दूसरी ओर पहली पंगत में, दोनों साथ साथ बैठते। ख्याल हुआ कि भाई बड़े सत्संगी हैं, अच्छे हैं ये, देखो रोज नियम से आता है, महीनों तक आते। फिर जब दोनों की सगाई हो गई, ब्याह हो गया, तब हमको मालूम पड़ा कि उनको दूसरी जगह तो उतनी देर बैठने का मौका नहीं मिलता था, तो सत्संग में आके आमने सामने बैठते थे। हम देखो किसी का ऐसा मन हो तो कर लेना, कोई बात नहीं। लेकिन उनका उद्देश्य जो है वो वेदांत समझना तो नहीं है ना। बौद्धों ने कहा ये सृष्टि शून्य से हुई है, न मूल में उपादान है न निमित्त है, न कुम्हार है न माटी है, शून्य में से दुनिया निकली है ना। ऐसे चार बातों ने कहा कि मिट्टी पानी आग हवा चार भूतों में से दुनिया निकली। नैयायिकों ने कहा परमाणुओं में से दुनिया निकाली गई। जैनों ने कहा कि जन्म जन्म के जो कर्म संस्कार हैं उससे पुद्गल जुड़ करके सृष्टि उत्पन्न करते हैं। सांख्य और योगियों ने कहा प्रकृति से सृष्टि बनी। मीमांसकों ने कहा सृष्टि बनाने वाला कोई नहीं है, अनादि है, अनंत है, कर्मों से बनती है। अब प्रश्न आया कि दरअसल ये सृष्टि है ना कैसे बनी? तो कहना तो ये है कि ईश्वर के सिवाय ये सृष्टि और कुछ नहीं है। ये बात बतानी है, बोला बतानी है ये बात। बोले ये सृष्टि कैसी है? तो बोले ईश्वर का संकल्प है। इसका अर्थ है कि ईश्वर के सिवाय न माटी है, न ईश्वर के सिवाय कुम्हार है। जैसे हम आंख बंद करके अपने संकल्प से मनोराज्य करते हैं, वैसे ईश्वर ने अपने बाहर सृष्टि नहीं बनाई हो। वो कोई कुम्हार की तरह एक आदमी थोड़ी था, नाम रूप तो था ही नहीं है ना, नाम रूप तो था ही नहीं, निराकार था। अच्छा लंबाई चौड़ाई का देश नहीं था और उम्र वाला काल नहीं था। ये कि ईश्वर ने किस उम्र में सृष्टि बनाई थी आपको मालूम है? जवान होगा तभी बच्चा पैदा किया होगा, कि अधेड़ उम्र में हुआ तो उसके बुढ़ापे में हुआ। ईश्वर कभी बुढ़ा होता है कि नहीं? ईश्वर बुढ़ा नहीं होता है ना, कभी जवान भी नहीं होता, कभी बच्चा भी नहीं होता। और उसके बाहर, ईश्वर के बाहर कोई जगह नहीं होती, ये आपने सुना है ना। एक दिन अकबर ने कहा बीरबल से कि बीरबल मैं तुम्हारे ईश्वर से बड़ा हूँ। बीरबल बोले हाँ हजूर आप हमारे ईश्वर से बड़े हैं। बोला बड़ा भाई चापलूस है? जी हजूर जो मैंने कहा कह दिया। हाँ बोले नहीं हजूर नहीं सकता, आप अपने देश से किसी को बाहर निकालने की सजा दे सकते हैं, परंतु हमारा ईश्वर अपने देश से बाहर निकालने की सजा किसी को नहीं दे सकता है। उसके बाहर कुछ हो तब ना वहां भेजे है। अरे मेरे बाप, तो ईश्वर के बाहर कोई देश नहीं, ईश्वर से
ईश्वर की कोई उम्र नहीं, कोई काल नहीं ईश्वर में, ईश्वर में कोई दूसरी वस्तु नहीं, अकेला ईश्वर, अद्वितीय ईश्वर, उसने सृष्टि कैसे बनाई? क्या बोले बस ऐसे ही सोच लो कि जैसे तुम बैठते हो और मन ही मन सोचने लगते हो, ये गांव है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये भोजन है ना, ऐसे हमारे हो उधर दुआब है, सरजू और गंगा जी के बीच में दुआबा पड़ता है, दो पानियों के बीच में सरजते हैं, तो वहाँ छप्पर के घर बना के लोग रहते हैं। पैदा तो बहुत होती है लेकिन पक्का घर बनावे या खपरेल का बनावे तो जब बाढ़ आती है तो बह जाए, और खेती करने के लिए वहाँ जरूरी, तो छप्पर डाल लेते हैं, उसी में रहते हैं, दिन में हवा चलती है तेज, रसोई बनती नहीं, तो सब कुछ खा के रहते हैं। तो एक दिन बच्चे खेलने लगे, खेलते खेलते ये हुआ, आओ जी मन ही मन सत्तू खाए। उसने होशियार था, उसने कहा बाबा जब मन ही मन खाना है तो सत्तू का खाते हो, सत्तू तो रोज जन्म खाते हैं, मन ही मन खाना है तो लड्डू खा, मन ही मन खाना है तो लड्डू खा। अब ये ईश्वर जब सृष्टि बनाता है तो कोई आदमी की तरह ईश्वर आंख बंद करके नहीं बैठता हो, ईश्वर के सिवाय तो कुछ है ही नहीं। तो ईश्वर में ईश्वर रूप जो संकल्प होता है, ईश्वर का जो सपना है, ईश्वर का जो मनोराज्य है, ईश्वर की जो कविता है, मन ही मन गाता गया और सृष्टि वैसी बनती गई। तस्य देवस्य काव्यम, देव कहता है तस्य देवस्य काव्यम न ममारा न जीर्ज्यति। ये देव देखो ईश्वर की कविता, वो मन में कविता सोचता है और वैसी सृष्टि बनती जाती है। ईश्वर सत्य संकल्प है, हो जैसा सोचता है वैसा होता जाता है, लेकिन उसमें न तो मैटर अलग है, माटी अलग नहीं है, और न उसमें चाक अलग है, न उसमें डंडा अलग है, न सूत अलग है, न थापी अलग है ना, न दूसरी किसी चीज से बना, वही अपने आप में अपने आप को सृष्टि के रूप में देख रहा है। इसी को बोलते हैं तत् ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय, उसने ईक्षण किया। ये संकल्प माने दूसरा कारण कोई नहीं है। ये नहीं कहा गया कि ईश्वर ने बनाया, कि ईश्वर बन गया, कि ये कहने में अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय ये है कि जो लोग दूसरे कारणों से सृष्टि मानते हैं कि शून्य से सृष्टि हुई, चार भूत से सृष्टि हुई, परमाणु से सृष्टि हुई, पुद्गल से सृष्टि हुई, प्रकृति से सृष्टि हुई, है ना, सृष्टि कहीं अकस्मात कहीं से बरस पड़ी, वो ठीक नहीं है। ये परमात्मा ही अपने संकल्प से दुर्गा पाठ में एक श्लोक है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, हे देवी संसार में जितनी विद्या है तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम्हारे प्रकार भेद है, और स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, ये जो बैठी है ना स्त्री रूप, बोले साक्षात जगत जननी जगदम्बाई, सब स्त्रियों के रूप में, वही बच्ची है वही बुढ़िया है, स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु तो यही गया पूरी तम यही तक, अरे ओ माँ तू ही भर रही है सारी सृष्टि में, काते स्तुति ही स्तब्ध परा परोति। जब हम ये कहते हैं कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये पर हैं, ये अपर हैं, है ना, हम जब लोगों को छोटा बड़ा बना करके बोलते हैं तो क्या तुम्हारी स्तुति होती है? बोले तो तुम्हारी आँख बहुत खराब लगती है, नाक बहुत अच्छी लगती है, नाक बहुत खराब है, आंख बहुत अच्छी है, अरे जब एक ही है, एक ही है, एक ही परमात्मा है तो उसमें अच्छाई बुराई काहे की? तो क्या हुआ, राग द्वेष गया, हो राग द्वेष गया तो छोड़ने पकड़ने की वासना गई, वासना गई तो अंतःकरण शुद्ध हुआ, अंतःकरण शुद्ध हुआ, अब महावाक्य का जो अर्थ है वेदांत की असलियत परमार्थ अब जाहिर होगी कि वेदांत क्या है। तो इसलिए ईश्वर उस तत्सत ने
ईक्षण क्रिया माने चेतन है, निमित्त कारण है, और बहुश्याम माने वही उपादान है, और प्रजाय माने जन्म प्रतीति मात्र है, माया मात्र है। अब ये बात आपको कल्पना